माँ तंदूरी डिशेस घर में बनाना शुरू करती है तो ना जाने कहाँ कहाँ से मेहमान आ जाते हैं, शायद इसकी खुशबू से आ जाते होंगे। और खासकर मटन चॉप्स जो मेरी पर्सनल फेवरेट हैं। तो एक बात का आप भी ध्यान रखिएगा, जब भी बनाएं कोई तंदूरी डिश तो ज्यादा ही बनाइएगा, इसकी खुशबू से मेहमान खिंचे चले आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाना रोजमेरी मैरिनेटेड ग्रिल्ड मटन चॉप्स। इसके लिए हमें चाहिए मटन चॉप्स, हमें चाहिए मक्खन, लहसुन जो हमने पहले से स्लाइस करके रखा है, सफेद मिर्च पाउडर, नमक और रोजमेरी जो एक तरह का हर्ब होता है जो हम इसमें मैरिनेशन के लिए यूज कर रहे हैं। रोजमेरी नहीं है तो आप इसके लिए पुदीना यूज कर सकते हैं, पुदीना नहीं है तो धनिया, तो एक हर्ब है जिसका हमने इसको फ्लेवर दिया है। तो सबसे पहले इसका मैरिनेट बनता है। मैरिनेट के लिए आपको मक्खन, लहसुन, रोजमेरी, नमक और सफेद मिर्ची पाउडर को एक साथ ब्लेंड करना है ताकि वो एक बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन जाए, जैसा हमारे पास यहाँ पे है। तो इस मैरिनेट को हम डालते हैं बोल में। अब इसमें डालेंगे हम मटन चॉप्स। तो जो हम मटन चॉप्स यूज कर रहे हैं वो दो हड्डियों की है, यानी इस मटन चॉप में दो हड्डियों का बराबर का मीट है। आप चाहें तो एक बोन निकलवा सकते हैं, मीट उतना ही रख सकते हैं, लेकिन आपको एक ही हड्डी मिलेगी। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप चाहते हैं कितना, आप तीन बोन का रख सकते हैं मीट, चार बोन का रख सकते हैं। हमने यहाँ पे दो बोन का मीट रखा है और दो बोन्स रखी हैं। तो चलिए अब इन्हें मैरिनेट करते हैं। इस तरह से आप इन्हें अच्छी तरह मैरिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मक्खन है तो ये बहुत अच्छी तरह कोट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है लेकिन है बहुत ही जायकेदार, क्योंकि लहसुन है इसमें, रोजमेरी है जिसका एक अपना ही अलग फ्लेवर होता है और साथ में है मक्खन। देखिए ये हमने मैरिनेट कर दिया और पहले से ही हमारे पास मैरिनेटेड लैम चॉप्स हैं जो हमने पहले मैरिनेट किए थे। तो इन मटन चॉप्स को मेरे हिसाब से 12 घंटे तक तो आप इसको मैरिनेशन में रखें ताकि मैरिनेशन अच्छी तरह अंदर चला जाए। लेकिन क्योंकि इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, बटर है, रोजमेरी है, लहसुन है, तो अगर आप उसी वक्त भी फ्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, जो हम आप करने जा रहे हैं। इसको भी हम तवे पर ही करेंगे। आपके पास ग्रिल है तो बहुत ही अच्छी बात है, ग्रिल पे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, खासकर चारकोल ग्रिल पे। लेकिन घर में चारकोल जलाना भी ठीक नहीं है, छत है तो ठीक है, आउटडोर में कर सकते हैं, घर में चारकोल कौन जलाएगा। और अगर आपके पास है ग्रिल और घर में ही तवा है तो तवे पे कर सकते हैं, हम यहाँ पे नॉनस्टिक में कर रहे हैं। अब इंतजार करेंगे इस तेल के थोड़ा गर्म होने का। तेल गर्म हो चुका है, डालते हैं इसमें मटन चॉप्स। इसमें थोड़े से ज्यादा मटन चॉप्स डाले हैं, आपको लग रहा होगा हमने एकदम भर दिया है, लेकिन मटन जैसे ही पकेगा या कोई भी मीट पकता है तो वो थोड़ा सिकुड़ जाता है, तो जगह अपने आप बन जाएगी। मटन को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है पकने के लिए, लेकिन मजे की बात यह है कि मटन को आप थोड़ा सा कच्चा भी खा सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादातर इसकी डननेस मांगी जाती है, यानी रेयर। रेयर का मतलब होता है बहुत कम पका हुआ, उसके बाद होता है मीडियम, मीडियम यानी आधा पका हुआ, और वेल्डन, वेल्डन का मतलब होता है पूरा का पूरा पका हुआ। अब हमें ज्यादातर आदत नहीं है इसको थोड़ा सा कच्चा और थोड़ा सा पका खाने की, इसलिए हम इसको पूरा वेल्डन ही कर देंगे, यानी वेल्डन पकाएंगे। तो चलिए पक गए हमारे मटन चॉप्स, अब बारी है सर्व करने की।
तैयार हैं हमारे रोजमेरी मैरिनेटेड ग्रिल्ड मटन चॉप्स। इसे सर्व कर सकते हैं किसी स्पाइसी डिप के साथ या सर्व करें इसे टोमेटो सालसा के साथ। तो देर किस बात की है। रोजमेरी मैरिनेटेड मटन चॉप्स बनाने के लिए आपको चाहिए मटन चॉप्स 6 पीसेस, मक्खन 2 बड़े चम्मच, लहसुन 1 छोटा चम्मच, पिसी सफेद मिर्च आधा छोटा चम्मच, रोजमेरी 1 छोटा चम्मच। अब इसे बनाने की विधि नोट करें। एक मिक्सर में मक्खन, लहसुन, सफेद मिर्च और रोजमेरी डालकर ब्लेंड कर लें। एक बर्तन में इस पेस्ट को डालें। अब मटन चॉप्स को मैरिनेट करें। एक कढ़ाई में तेल गरम करें और मटन चॉप्स को तलें। रोजमेरी मैरिनेटेड मटन चॉप्स को सर्व करें सालसा डिप के साथ।